हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आर यू ऑल ओके? वेरी गुड। नाउ टुडे वी विल डू अ एक्टिविटी, एन एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी करेंगे। बिफोर दैट वी विल लर्न सम स्पेलिंग। वैसे तो टीचर ने आपको फ्लावर के स्पेलिंग लर्न करवाए हैं, सबने घर पे किए हैं? यस। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम आज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर वी विल डू एन एक्टिविटी। ओके, रेडी? यस। तो फर्स्ट चलो मुझे बताओ ये कौन सा फ्लावर है। आर ओ एस ई, रोज। आर ओ एस ई, रोज। रिपीट आफ्टर मी, आर ओ एस ई, रोज। R O S E, rose. R O S E, rose. R O S E, rose. Okay, very good. L O T U S, lotus. L O T U S, lotus. L O T U S, lotus. सब बोल रहे हो ना? Okay. L O T U S, lotus. L O T U S, lotus. Okay, very good. Now next. D A I S Y, daisy. 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 Okay, very good. Now tulip. T U L I P. Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. Okay. Now next. Sunflower. S. U N, sun का spelling सबको आता है? Yes, S U N, sun. और हम साथ में लगाएंगे flower. S U N F L O W E R, sunflower. S U N F L O W E R, sunflower. S U N F L O W E R, sunflower. S U N F L O W E R, sunflower. Okay, तो ये spelling सबको learn हो गए। Okay, very good. Now we will do an activity. Okay. Now kids, we will do flashcard activity. तो flashcard activity क्या है? Puzzle भी है, activity भी है, हमें spelling भी learn हो जाएंगे, बहुत सारा एक साथ हो जाएगा। तो आपको ये activity compulsory घर पे करनी है और मुझे pics भेजने हैं, ठीक है? At least two flower तो आपको बनाने ही है और उसके spelling के साथ, ठीक है? तो आपको क्या करना है? मम्मा को बोलना है कि आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे फ्लावर के, इसमें से कोई भी टू फ्लावर, और उसको फ्लावर को कलर करके फिर स्ट्रिप्स कट करनी है और नीचे हर स्ट्रिप में उसका स्पेलिंग लिखना है। ओके, फिर मम्मा आपको जंबल करके देगी और आपको ये स्पेलिंग अरेंज करने हैं। तो क्या होगा? स्पेलिंग लर्न हो जाएंगे, एक फ्लावर भी मस्त बनेगा
और आपको पता चल जाएगी ये कौन सा फ्लावर है. ओके सो रेडी. यस सो फर्स्ट मेरे पास ये एक फ्लावर का स्पेलिंग है, कट किया हुआ है, साथ में इसकी स्ट्रिप्स मैंने बनाई है. तो नीचे जो लेटर लिखे है उससे हमें इसका स्पेलिंग बनाना है. तो मुझे ये पिक्चर से ऐसा लग रहा है कि ये रोज फ्लावर है. आपको क्या लग रहा है? लग रहा है रोज फ्लावर. यस तो फिर हमें रोज का स्पेलिंग क्या है बताओ. चलो मुझे टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रोज. आर ओ एस ई रोज. वेरी गुड. तो इसको हम उस तरह से अरेंज करेंगे. सबसे पहले आर, फिर ओ कहाँ है, ये रहा ओ, एस, ई. अरे ये तो देखो आप लोग स्पेलिंग रोज का हो गया और रोज का फ्लावर भी बन गया. ओके लुक एट दिस, नाइस ना. अभी हम क्या करेंगे, रोज आपको पता है कौन से कलर में आते हैं. आप यू कैन रेडी इन कलर पिंक, वाइट, येलो, रेड, बहुत सारे कलर में, ऑरेंज, बहुत सारे कलर में रोजेस आते हैं, राइट. और ये आप कोई भी कलर का रोज रेडी कर सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट लोटस, एल ओ टी यू एस, लोटस. तो मेरे पास लोटस का भी रेडी किया हुआ है. लोटस भी पिंक, डार्क पिंक एंड व्हाइट कलर में भी आता है. ओके सो लोटस का स्पेलिंग मुझे बताओ क्या है. सबसे पहले मुझे कौन सी स्ट्रिप ढूंढनी है इसमें, एल वाली. कौन सी? एल. तो एल कहाँ है, कहाँ है? यस हियर एल. फिर क्या है एल के बाद? ओ ओ Yes, ये रहा T U and S, lotus. अरे वाह मस्त बना ना lotus. आप कोई भी दो फ्लावर के करेंगे तो भी चलेगा, पर मुझे ये सबके एक्टिविटी के पिक्स आने चाहिए, ठीक है. ओके अभी हम लेंगे ट्यूलिप. ओके और आपको ये पता है लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, राइट. जैसे नेशनल एनिमल होता है, नेशनल बर्ड होता है, वैसे नेशनल फ्लावर है लोटस. ओके नाउ नेक्स्ट ट्यूलिप लेते हैं. ओके ट्यूलिप का स्पेलिंग टी यू एल आई पी, ट्यूलिप. सब इजी स्पेलिंग है ना. चलो तो सबसे पहले क्या अरेंज करना है मुझे इसमें, टी. तो टी बहुत इजी है ये. उसके बाद यू, उसके बाद क्या है, एल. एल कहाँ है, कहाँ है? हियर एल. फिर आई पी, ट्यूलिप. I and P. ओके तो ये हो गया ट्यूलिप. दिख रहा है ना सबको, मस्त दिख रहा है ना. ओके नाउ नेक्स्ट हम लेंगे सनफ्लावर. ओके तो सनफ्लावर कौन से कलर में आता है, येलो. और वो उसका फेस किस तरफ होता है, जिस तरफ सन जाता है उस तरफ वो अपना फेस कर लेता है और नाइट में झुक जाता है, मॉर्निंग में वापस उठता है. सन जैसे जैसे जाता है वो अपना फेस उस तरफ करता है. ओके
सनफ्लावर, सन का स्पेलिंग कितना इजी है, वो सन की तरफ घूमता है ना, इसीलिए सनफ्लावर बोलते हैं। तो अगर तो सन का ही स्पेलिंग आगे तो आता है एस यू एन सन, राइट। तो पहला एस यू एन सन ढूंढेंगे, एस 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 वेर इज एस हियर, एस यू 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 कहाँ है, यू कहाँ है, वेर इज यू, आपको भी ऐसे ढूंढ के करना है। हाँ, ऐसे मम्मा की हेल्प लेके डायरेक्ट नहीं कर लेना है, आपको खुद को ढूंढना है। एस यू, सिर्फ मम्मा आपको स्पेलिंग में हेल्प करेगी, लिख के देगी, आपको देखना है एस यू हो गया, एस यू हो गया। अभी एन 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 एन, ये रहा एन, एस यू एन, फिर क्या है एफ, एफ 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 कहाँ है, हियर एफ, एस यू एन एफ, फिर क्या आएगा एल, एल ये रहा एल, सबको मजा आ रही है ना, देखना अभी कितना मस्त फ्लावर बनेगा। एल हो गया, अभी ओ, ओ W, W, E, E, and last में है I, okay nice, देखो हो गया sunflower, okay, मस्त बनाए ना, yes, okay, okay now daisy, D A I S Y daisy, D A I S Y daisy, तो daisy वाले को हम board पे stick करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले D, where is D, ये रहा, अरे ये तो उल्टा हो गया है सब, हाँ डी, ओके, तो डी डेजी को हम कहाँ पे स्टिक करेंगे, बॉर्ड पे, ठीक है। आपको तो ऐसे ही मुझे अरेंज करके भेजना है, ओके, तो डी, फिर क्या है ए, ए ए कहाँ है, ये रहा ए, ए आई, आई ये रहा आई, S and Y, S and Y, ये हो गया Daisy flower, okay, Daisy flower Y येलो और पिंक में आता है। डेजी फ्लावर कौन से कलर में होता है, व्हाइट येलो एंड पिंक, ओके। अभी हम इसकी राइम भी आज करने वाले हैं, ओके डेजी, ओके। नाउ वी विल डू वर्कशीट एंड देन आफ्टर डू रायन। और आपको क्या करना है, टीचर को ये एक्टिविटी के पिक्स सेंड करने हैं सबको, ओके, ओके। लुक एट हियर वर्कशीट नंबर 11,
मैच द फ्लावर टू इट्स शेडो. तो यहाँ पे फ्लावर्स दिए हुए हैं और सामने उसके शेडो है. आपको तो आता ही होगा, यदि टीचर एक बार बता देते हैं आपको कैसे मैच करना है. ओके, फर्स्ट ये जो फ्लावर है उसका शेडो कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, राइट. तो मैच हियर, तो ये कैक्टस, इसका शेडो ये रहा, ए वेरी गुड. फिर ये वाले यहाँ पे, सेम फ्लावर यहाँ पे, एंड दिस फ्लावर मॉर्निंग फ्लावर, राइट. तो आपको ये वर्कशीट करनी है, बहुत इजी है. एंड नाउ वर्कशीट नंबर 13. वर्कशीट नंबर 13 में क्या है, सर्कल द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज में से हमें क्या क्या मिलता है वो आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया हुआ है, किया है ना हमारे लाइव क्लास में. तो आपको पता है ट्रीज में से क्या क्या मिलता है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है. सो फर्स्ट फिश, नो वो ट्री में से नहीं मिलती है. एग, नहीं वो तो हैंग एग तो देती है ना, राइट. और ये तो सिर्फ नेस्ट सारे बर्ड्स ट्री के ऊपर बनाते हैं, पर ट्री हमें एग नहीं देते. हर्ब्स, यस, जैसे तुलसी, मिंट, एलोवेरा, टीचर हैड एक्सप्लेन यू ना, ये सारे हर्ब्स हमें प्लांट्स ट्री देते हैं. तो सर्कल ऑन द दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यस. सो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ट्री में से मिलते हैं, तो ये दोनों में हम सर्कल करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट बेल्ट, नो ये लेदर में से बनता है और लेदर तो एनिमल में से मिलता है, हमें ट्रीज नहीं देते हैं. चेयर, चेयर वुड में से बनती है और वुड हमें कौन देता है, ट्री. ओके, ट्री में से हमें वुड मिलता है. एंड ऑयल, यस, सनफ्लावर ऑयल होता है, पीनट ऑयल होता है, वो सारे ऑयल हमें इसमें से मिलता है, ठीक है. तो ये दो वर्कशीट आपको करनी है और वर्कशीट नंबर 4. ओके, नाउ वर्कशीट नंबर 3. 4 नहीं है, 3 है, 4 हो गई है. लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी टीचर ने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, हम रिवाइज करेंगे. ओके, सो यहाँ पे जो लेबल दिए है उसमें है सबसे पहले है ROOT रूट. सो वेयर इज द रूट, वेयर इज द रूट, हियर. ओके, तो हम यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया है उसमें आपको लिखना है ROOT रूट. ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद का रीड कीजिए, FLOWER फ्लावर. तो फ्लावर कहाँ पे है, कहाँ पे फ्लावर, ये रहा जो फ्लावर है उसके सामने आपको एरो करके दिया हुआ है. तो आपको वहां पे क्या लिखना है, FLOWER फ्लावर. ओके, नाउ नेक्स्ट लीफ, LEAF लीफ, LEAF लीफ. तो लीफ कौन है, क्या क्या है, ये रहे, बहुत सारे होते हैं तो लीव्स बोलते हैं, एक को लीफ बोलते हैं, LEAF लीफ. ओके, उसके बाद है FRUIT फ्रूट. तो वी गेट ऑल्सो फ्रूट फ्रॉम प्लांट. तो यहाँ पे फ्रूट है उसके ऊपर हम एरो करके लिखेंगे FRUIT फ्रूट. एंड लास्ट वन स्टेम, तो इसको हम स्टेम बोलेंगे. ओके, तो स्टेम पे आपको एरो दिया हुआ है, आपको सिर्फ लिखना है स्पेलिंग बॉक्स में स्टेम. ओके, सो पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट्स. लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट्स. ओके, तो ये 3 वर्कशीट आपको घर पे करनी है. बाय बाय.